7 जनवरी 2021 यानी कि कल वन विभाग के फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, आखिरी दिन है। बहुत सारे साथी हैं जिनके हमें पिछले कई दिनों से मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप हमें ये बताइए कि हम वन विभाग के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉर्म भरे, किस पद पर फॉर्म भरे, या हमारा जो फॉर्म भरा हुआ है वो गलत हो गया है तो उसके लिए हम क्या करें, आप हमें कुछ सुझाव ज़रूर दीजिए। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपके फॉर्म से रिलेटिव जो सवाल है उनके सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो हमारे पास में जानकारी है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अनिल सारस्वत और डेजर्ट टूर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी साथियों का प्यार है जो हमें इस चैनल पर जोड़े रख रहा है वन विभाग के रिलेटिव वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक व्यू देते हैं और शेयर भी करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। साथियों, हमारा जो ये चैनल है ये व्लॉग चैनल है, टूर से रिलेटिव है, यात्राओं से रिलेटिव है, पर्यटक स्थल से रिलेटिव है और जानकारियों से रिलेटिव चैनल है। फिर भी हम इस पर वन विभाग के रिलेटिव वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप सभी साथियों का प्यार है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे बड़े भाई साहब जो कि 31 दिसंबर 2020 को वन विभाग के फॉरेस्टर इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उनका वीडियो हमने इस चैनल पर डाला था। तो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो वन विभाग के अलग अलग पद पर कार्यरत हैं, हम उनसे उन सब से जानकारी लेते हैं और आप तक कोशिश करते हैं कि सही से सही अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुँचे और आपको उनसे सहायता मिले। साथियों, मेरा आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे इस चैनल पर एक कालीबंगा जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, वहां पर 4600 वर्ष पुराना ऐतिहासिक स्थल मिला था खुदाई के अंदर। वहां पर 7 फीट का मानव नरकंकाल मिला था और खुदाई के अंदर बहुत सारे अवशेष मिले थे जो कि एक सरस्वती नदी थी उनके किनारे बसा हुआ था। वो मेरे इस चैनल का प्रमोशनल वीडियो है। प्लीज़ आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि उस वीडियो को अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो फेसबुक है या व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं, उस पर शेयर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को मैंने शेयर किया है। आप सभी का प्यार रहा तो मैं आप सभी को वन विभाग के रिलेटिव इस चैनल पर जानकारियाँ देता रहूँगा। अब लेते हैं उन साथियों के सवाल जिन्होंने हमसे सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि कुछ साथियों ने हमें मेल किया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सर हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हम वन विभाग के अंदर कौन से पद पर फॉर्म भरे, वन रक्षक पर भरे या वन पाल के पद पर भरे। तो उन साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, आपकी जो भी योग्यताएँ हैं, जो योग्यताएँ आप रखते हैं उनके आधार पर ही फॉर्म भरिए, चाहे वो वन रक्षक हो या वन पाल हो। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिजिकल वगैरह के अंदर या मेडिकल के अंदर या रिटर्न के अंदर, केवल पोस्ट के अंदर फर्क है। जो वन रक्षक होता है वो एक तरह का गार्ड होता है, कॉन्स्टेबल होता है, और वन पाल है वो एक तरह का फॉरेस्टर इंस्पेक्टर होता है जिसके एक स्टार लगा होता है, यानी कि वो एक अधिकारी होता है, ऑफिसर होता है। अब लेते हैं उन साथियों के सवाल जो हमें ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कैटेगरी दिखाई नहीं दे रही है, हमें केवल जनरल एक ही कैटेगरी है वो हमें दिखाई दे रही है। तो साथियों, ऐसा कोई फॉर्म के अंदर होता नहीं है कि उसके अंदर कैटेगरी डिसाइड नहीं की गई है। आप कैटेगरी के लिए परेशान मत होइए क्योंकि कैटेगरी आपको मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप जनरल में फॉर्म भर सकते हैं। अगर उसमें है नहीं, वास्तविक में मैं आपके जो सवाल है उनके अकॉर्डिंग आपको जवाब दे रहा हूँ, वास्तविक में अगर उसके अंदर कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल में भर दीजिए, क्योंकि जिस टाइम कैटेगरी डिसाइड होगी, अगर आप एग्जाम में सिलेक्ट हो गए तो आपको ऑटोमेटिक उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बहुत सारे साथी हैं उनके ये भी सवाल है कि हमने फॉर्म फिलअप कर दिया है, हमने OBC फॉर्म भर दिया है और अब हम जनरल में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या उपाय है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप उस फॉर्म को करेक्शन कर लीजिए। अगर आप जनरल में जाना चाहते हैं तो उसमें जनरल डाल दीजिए कैटेगरी को सिलेक्ट करके, करेक्शन करके, और अगर आप OBC में जाना चाहते हैं तो आप OBC में सिलेक्ट कर लीजिए। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप रिस्क मत लीजिए, फॉर्म दूसरा भर दीजिए, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप उस फॉर्म को पड़े रहने दीजिए, क्योंकि जब आपकी कैटेगरी डिसाइड
जो भी आप एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे जनरल में जाना चाहते हैं तो ओबीसी फॉर्म भरा है, तो ओबीसी के रिगार्डिंग जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को मत लगाइए, आप ऑटोमेटिक जनरल में चले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जानकारी पहुँची होगी, कुछ आपके हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैंने जो आपको बताया है मेरा वीडियो शेयर करना मत भूलिए। मैं अनिल सारस्वत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।